स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद राज्य में अंतर जिला बस चलाने की अनुमति के बाद बसों के लिए गाइडलाइन जारी। किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति या फिर जिसका टेस्ट हुआ है उसके रिपोर्ट आने तक उसे सफर करने की इजाजत नहीं। बसें अपने परमिट रूट में ही चल सकेंगी। जहां ठहराव का परमिट है बसें सिर्फ वहीं रुक सकेंगी। ऐसा नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और MV एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों को मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा। ड्राइवर कंडक्टर के लिए भी मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा। वाहन में पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान पान गुटखा तंबाकू प्रतिबंधित होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी। यात्री और चालकों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और बस को थोड़े अंतराल पर डिसइंफेक्टेड करना होगा। बड़ी बस जिसमें अधिकतम सीटों की संख्या 52 होगी उसमें 26 से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। बस जिसमें अधिकतम सीट 48 होगी उसमें 24 यात्रियों को इजाजत होगी। 32 सीट वाली छोटी बस में 16 यात्रियों को इजाजत होगी। 22 सीट वाली मिनी बस में 11 यात्रियों को इजाजत होगी। 12 सीट वाली मैक्स कैब या ओमनी बस में 6 यात्रियों को इजाजत होगी। बस चालक को यात्रा कर रहे यात्रियों का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके। रिकॉर्ड में तारीख, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यात्रा करना है और मोबाइल नंबर की जानकारी रखनी होगी। बस मालिक तारीख और रूट के साथ चालक और सह चालक का रिकॉर्ड उनके मोबाइल नंबर के साथ रखेंगे। ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश वर्जित होगा। जिस बस में केबिन नहीं हो उसमें पर्दे से ड्राइवर केबिन तैयार किया जाए।